हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द नेस्टेड मैंगो चैनल। दोस्तों, मैं रामकेश स्वागत करता हूं आपका नेस्टेड मैंगो चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं फायरबेस ऑथेंटिकेशन के बारे में। दोस्तों, आज ये किस तरह से आप यूनिटी एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के लिए आप फायरबेस ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। और दोस्तों, अगर आप फायरबेस का यूनिटी के लिए ऑथेंटिकेशन देखते हैं, एंड्रॉयड के लिए देखते हैं, आईओएस के लिए देखते हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और मैंने ट्राई करा और ये मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है ये वीडियो, क्योंकि मैंने इस पे दोस्तों 1 वीक वेस्ट करा। और अगर आप फायरबेस का डॉग देख के करना चाहते हैं जीमेल लॉगिन या ऑथेंटिकेशन, तो ये पॉसिबल नहीं है, सिंपली ये नहीं हो सकता है। तो कैसे मैंने इसको किया, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आपको पूरी तरह से मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग जीमेल लॉगिन करेंगे फायरबेस की मदद से, किस तरह से आप यूनिटी के अंदर, हम लोग एंड्रॉयड के लिए भी कर सकते हैं, आईओएस के लिए भी कर सकते हैं, बट इस प्रोजेक्ट में वी विल टॉक अबाउट द एंड्रॉयड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। इसका स्क्रिप्ट दोस्तों मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कुछ डॉक को फॉलो करना होगा। तो डॉक को फॉलो करने में हमारा जो पहला स्टेप होगा, इस स्टेप को हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो क्रिएट प्रोजेक्ट हमने कर लिया है, वो स्टेप 2 है और हमारा नंबर 1 था। तो जस्ट जो मैं बोल रहा हूँ उन स्टेप को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप है कि आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। और दोस्तों, दूसरा जो स्टेप वो है हमारा कि आपको यूनिटी के लिए SDK डाउनलोड करना है। तो आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली कि फायरबेस फॉर यूनिटी। और दोस्तों, जो भी SDK आप यहाँ पे जाएंगे तो स्टेप नंबर 5 में आपको SDK इसकी मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है, एक जिप फोल्डर बन के आएगा दोस्तों, और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो आई डोंट थिंक आई हैव टू डाउनलोड इट। सो फर्स्ट स्टेप इज़ दैट यू हैव टू डाउनलोड यूनिटी SDK, फायरबेस SDK फॉर यूनिटी। दोस्तों, ये पहला स्टेप है। और उसके अंदर दोस्तों डेटाबेस से लेकर ऑथेंटिकेशन सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, सारे SDK अवेलेबल होते हैं इस SDK के अंदर। तो हम लोग डेटाबेस के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे फायरबेस ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, और मैं एक्सट्रैक्ट करके सारे जितने भी इसके साथ SDK आए हैं, ऑथेंटिकेशन का अलग होता है, एनालिटिक्स का अलग होता है, डेटाबेस का अलग होता है, ये सारे SDK अलग अलग होते हैं, बट एक बार डाउनलोड करते हैं उन्हीं में सारा SDK आ जाता है। तो मैंने जो डाउनलोड किया हुआ है, आई थिंक इन्हीं में से किसी एक में है, और मैंने यहाँ पे फायरबेस SDK करके एक फोल्डर बना लिया है, जिसमें मैंने उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे ला लिया है। इसमें दोस्तों Denote 3 और Denote 4 है, तो अपने वर्जन के अनुसार आप Denote 3 या Denote 4 यूज़ कर सकते हैं। अगर 2017.3 के ऊपर का यूज़ कर रहे हैं तो आप Denote 4 यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है सिर्फ। तो आपको क्या करना है उसके लिए, आपको डायरेक्टली ऑथेंटिकेशन की फायरबेस पे क्लिक करना है, या नहीं तो दूसरा जो तरीका है उसमें आपको राइट क्लिक करके करेंगे। बट सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रूरी है कि आप अपने प्रोजेक्ट को एंड्रॉयड के लिए कन्वर्ट कर लें। तो मैंने एंड्रॉयड पर क्लिक किया और स्विच प्लेटफॉर्म किया, और दोस्तों मेरा प्रोजेक्ट एंड्रॉयड के लिए कन्वर्ट हो चुका है। और स्पेशली हम लोग इसमें एंड्रॉयड के लिए बात करेंगे, आप iOS के लिए इसको ट्राई कर सकते हैं, बट इसमें हम लोग जीमेल लॉगिन करेंगे एंड्रॉयड के लिए। तो दोस्तों, होप कि मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही होगी। मैं ट्राई कर रहा हूँ इस 2 लैंग्वेज स्पीक करने की, ताकि जो भी हैं जिनको हिंदी नहीं आती है वो आसानी से इसको कर पाएँ। तो आपको जस्ट यू हैव टू फॉलो माई स्टेप्स एंड यू विल एबल टू लॉग इन विथ योर जीमेल बाई यूजिंग द फायरबेस। और दोस्तों, मैंने इसके पहले जो वीडियो डाले थे वो फेसबुक के बारे में था। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट और कंपनी नेम और पैकेज नेम सेट कर लेंगे, और होप कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा कि यू नो हाउ टू सेट द पैकेज नेम। तो दोस्तों, मैंने फेसबुक लॉग इन भी करा था फेसबुक डेवलपर कंसोल की मदद से। और दोस्तों, फायरबेस एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप सारे लॉगिन्स कर सकते हैं फायरबेस की मदद से, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है यूनिटी के लिए कि मैंने फेसबुक ट्विटर ये सारे यूज़ नहीं करे इसका, मैंने बस जीमेल यूज़ कर लिया। तो दोस्तों, आपको क्या करना है इसके लिए, आपको एक साइंड APK बनाना है। तो साइंड APK आपको बनाना आता होगा, अगर नहीं आता है तो जस्ट आप मेरे स्टेप को फॉलो कीजिए, क्रिएट पे जाइए एंड
ब्राउज़ कीजिए वहाँ पे जिस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। उसके बाद पासवर्ड, री पासवर्ड, एलियास में दोस्तों अनसाइंड है, तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्रिएट की, एंड क्रिएट की के बाद एलियास आएगा। तो दोस्तों एलियास में आप अपने गेम का नाम डालेंगे और आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि हम लोग क्यों साइंड एपीके बना रहे हैं, क्योंकि हमें SHA की चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट एंड लास्ट नेम, तो जो भी फर्स्ट एंड लास्ट नेम है उसको आप यहाँ पे एंटर कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वन इस तरह से फॉर्म फिल कर लेना है। और दोस्तों SHA की को हमें फायरबेस कंसोल पे डालना होगा, तो इसलिए मुझे SHA की निकालने के लिए मुझे साइंड एपीके बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो क्रिएट की पे क्लिक कीजिए। और दोस्तों यकीन मांगिए, मुझे 1 वीक से भी ज़्यादा लगा था, और मेरे सर थे जिन्होंने मेरी मदद की, भाविन सर, एक्सपीरियंस यूनिटी डेवलपर। और दोस्तों मैं उनका बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने किस तरीके से इसको सीखा होगा। दैट वॉज रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल बाई वन पर्सन दैट हु इज जस्ट फॉलोइंग द डॉक्स। सो राइट क्लिक कीजिए और इम्पोर्ट कर लीजिए कस्टम पे जाके। आपको मेरा जहाँ भी आपका SDK है, मेरा तो फायरबेस SDK के अंदर है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। एंड देन फायरबेस SDK डिनोट फोर में से मुझे ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो मैंने ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके कर लिया है। तो सिंपली मैंने SDK डाउनलोड करा फायरबेस का, और उनमें से डिनोट फोर का ऑथेंटिकेशन SDK को इम्पोर्ट कर लिया। तो यहाँ से इम्पोर्ट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ट्राई कर सकते हो एक बार उनका डॉक पढ़ के, बट वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से आपको फॉलो करना है और अपने आप को कंप्लीट कर लेना है। अब दोस्तों दूसरा जो SDK हमें डाउनलोड करना पड़ता है, जो फायरबेस डॉक्स में नहीं है, वो रहना चाहिए बट नहीं है, तो इसको मैंने मिस किया। तो जीमेल लॉगिन इस तरह से आप सर्च करके कर सकते हैं, जीमेल लॉगिन इन यूनिटी। उसको करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये तो फायरबेस का है, तो हमें फायरबेस का तो नहीं ओपन करना था, हमें गिटहब पे जाना है। तो ये है गिटहब का। वहाँ से दोस्तों एक और SDK मिलता है, जीमेल लॉगिन इन यूनिटी के लिए एक और SDK मिलता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रिलीज़ पे, और दोस्तों रिलीज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एक प्लगइन है, एक पैकेज है, तो इसको आप डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ मैनेज नहीं है, ये चीज़ लिखा नहीं है डॉक्स पे। अगर लिखा रहता तो लोगों को आसानी होती, बट ये चीज़ लिखा नहीं है जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैंने उस चीज़ को डाउनलोड कर लिया और यहाँ पे जीमेल लॉगिन में है, तो इसको हमें इंपोर्ट करना है। तो इसे आप पढ़ते हैं क्या है इसे। ओके, तो इसे हम लोग इनेबल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो जस्ट इनेबल इट। उसके बाद दोस्तों डिपेंडेंसी जो है वो रिजॉल्व होंगी। और दोस्तों जीमेल लॉगिन के लिए आपको ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, तो आई थिंक 24 to 25 मिनट का होगा, सो डोंट माइंड। जस्ट आपको धैर्य के साथ इस वीडियो को देखना है एंड यू हैव टू कंप्लीट योर जीमेल लॉगिन। तो चलिए हम लोग तब तक CMD को ओपन कर लेते हैं जब तक हमारा जीमेल लॉगिन इन यूनिटी का SDK इंस्टॉल होता है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, अदरवाइज आपको 1 घंटे देने होंगे। तो आपको आइडिया होगा अगर SHA की कैसे निकालते हैं, तो दैट्स द गुड थिंग। पर दोस्तों मुझे आइडिया है बट मुझे कमांड याद नहीं है, तो फॉर द सेक ऑफ दिस मुझे क्या करना होगा कि मुझे सर्च करना होगा यूट्यूब पे, जो मैंने अपने चैनल पे बता रखा है कि किस तरह से SDK निकालते हैं, किस तरह से SHA की निकालते हैं। तो सबसे पहले मुझे चेन CD लिख के, यानी कि चेन ड्राइव लिख के, मुझे JDK का पाथ देना था, तो मैंने JDK का बिन तक का पाथ दे दिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे चाहिए कमांड। तो जस्ट जो मैंने किया उसको CD लिखना है आपको, और बिन तक का पाथ देना है जावा प्रोग्राम फाइल के अंदर, जावा JDK के अंदर जाके। तो मुझे दोस्तों कमांड याद नहीं है, तो उसके लिए मुझे अपना यूट्यूब ओपन करना होगा। तो चलिए ओपन कर लेते हैं और वहाँ से मैं कमांड देखूँगा, क्योंकि दोस्तों मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, सो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम। सो सर्च ऑन SHA की इन यूनिटी, उसके बाद आप मेरे चैनल का नाम डालेंगे नेस्टेड मैंगो। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये ट्यूटोरियल मिल जाता है,
और दोस्तों ये काफ़ी यूज़फुल ट्यूटोरियल्स हैं, मैं अपने चैनल पर पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ, और खुद ही मैं प्रॉब्लम को फेस करता हूँ एंड देन उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ उसको सॉल्व कर पाऊँ। दोस्तों इसके बाद आपको क्या कॉपी करना है, तो आपको सबसे कॉपी पहले करना मैं है क्या करता की हूँ कि स्टोर कहाँ पे है, की स्टोर कैसे पता भी कर लिया, मुझे यहाँ की का स्टोर कॉपी करना है पासवर्ड आपको एंड देन उसके बाद मुझे पेस्ट करना था यहाँ पे, तो आप कमांड देख सकते हैं। और दोस्तों जो भी आपने यूजर की बनाया है उसका पाथ डालना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेता हूँ। ओके, मैंने अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लिया। तो जेडीके के बिन तक का पाथ देने के बाद, सीडी जेडीके का बिन तक का पाथ, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरा वो वीडियो पूरी तरह से स्टार्टिंग से देख लीजिए, सच्चे वाला आपको पूरी तरह से आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पे आपको टाइप करना है की टूल और उसके बाद माइनस लिस्ट स्पेस माइनस वी माइनस की स्टोर, और उसके बाद दोस्तों आपको की स्टोर का जो लोकेशन है उसका पाथ यहाँ पे कॉपी करना है। तो कैसे करेंगे, जस्ट यहाँ पे आप की पे जाइए जो मैंने जनरेट करा था और यहाँ का कॉपी कर लीजिए, तो आपकी जो भी की है वहाँ तक का पाथ होगा और उसके बाद आपको इंटर कर देना है। अगर आपको एस एच ए की में कोई भी दिक्कत है, मेरा मेन मकसद ये है कि वी हैव टू फाइंड द एस एच ए की, तो आप मेरा वो वीडियो पूरी तरह से देख सकते हैं अगर मैंने यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट करा तो। तो यहाँ से एस एच ए की लेना है। अब इसका यूज़ क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों मेक श्योर कि आपका फायरबेस एच डी के एंड जीमेल लॉगिन इन यूनिटी का SDK, दो SDK आपने अपने एसेट के अंदर ले लिया हो, इंपोर्ट कर लिया हो। ओके, तो इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूं जो मेरा जीमेल का है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने फायरबेस का कर लिया था बट जीमेल का नहीं किया था। तो आपको इस तरह से यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद एक्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद जीमेल लॉगिन इन यूनिटी को इंपोर्ट कर लेना है। तो दो SDK आपके पास यूनिटी के अंदर आपके प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए, तो मेक श्योर कि आपके पास दोनों अवेलेबल हैं, एक से काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ से हमें कोई भी कुछ डिलीट नहीं करना है, तो जस्ट इसे नो करते हैं और दोस्तों डिपेंडेंसी को रिजॉल्व होने दीजिए। यूनिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कहीं भी जाके कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको सारी डिपेंडेंसी ये रिजॉल्व कर लेता है। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो पर काम किए हैं तो दोस्तों काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे दोस्तों आपको फायरबेस पे जाना है, एड अ प्रोजेक्ट, तो प्लस पर क्लिक करके एड अ प्रोजेक्ट करना है और उसके बाद दोस्तों अपने प्रोजेक्ट का नाम डालिए। तो यूनिटी के अंदर जो भी आपका प्रोजेक्ट है आप नाम तो कुछ भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मेरा जीमेल का SDK जो है वो इम्पोर्ट हो रहा है, तो ये इम्पोर्ट हो चुका है। और दोस्तों कुछ एरर आ रही है नीचे, तो जस्ट उन्हें इग्नोर कर दीजिए अभी के लिए। अभी मैं इस पर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये इंपोर्ट हो रहा है। ओके, तो इंपोर्ट हो चुका है, मेरा दोनों SDK अंदर आ चुका है, जीमेल का और फायरबेस का। अब यहाँ से नाम मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, उसके बाद एक्सेप्ट किया एंड देन क्रिएट प्रोजेक्ट किया। दोस्तों ये मेरी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है, तो प्लीज़ आप इंजॉय कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हम मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमने फायरबेस पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब दोस्तों फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, अब हमें जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए बनाना है, तो मैंने एंड्रॉयड पर क्लिक किया। अगर आपको iOS जाना है तो iOS पे जा सकते हैं, पर दोस्तों जो मेरी स्क्रिप्ट है मैंने एंड्रॉयड के लिए यूज़ किया हुआ है, मैंने एंड्रॉयड के लिए वर्किंग किया हुआ है, तो मैं एंड्रॉयड के लिए ही करके आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैंने पैकेज नेम कॉपी कर दिया और होप कि आपने पैकेज नेम कॉपी कर लिया होगा। उसके बाद इसका दूसरा नाम यहाँ पर फायरबेस ऑथ, और दोस्तों SSH की ज़रूरत अब पड़ी आपको तो यहाँ से जस्ट कॉपी कीजिए। और दोस्तों मैंने साइंड APK का मैंने यहाँ पे SSH की कॉपी कर रहा हूँ, ये डिबग का नहीं है, तो आपको
डिबग का अगर आता है करने तो आप उसका भी कर सकते हैं, बट ये साइंड एपीके का है, यानी कि इसे आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है इसके साथ कि हम लोग साइंड एपीके यानी कि बिल्ड जो है प्रोडक्शन हाउस में जाने के लिए एसएचए जो होती है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। आप दोनों वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, डिबगिंग के लिए भी, बड़े प्रोडक्शन के लिए है तो प्लीज़। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको स्क्रिप्टिंग की वर्क करनी है। तो मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जिसको मैं यूनिटी के अंदर यूज़ करने वाला हूँ, और इस स्क्रिप्ट को गेट करने के लिए आप मुझे जीमेल कर सकते हैं, यानी कि कमेंट बॉक्स में अपना जीमेल आईडी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डाउनलोड गूगल जेसन करना है, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे डाउनलोड किया और अपने यूनिटी प्रोजेक्ट में एसेट के अंदर इसको ले आके प्लस पे अटैच कर दिया, यानी कि एसेट के अंदर आपको डालना है। तो एक कोशिश कीजिए कि एसेट के अंदर हो, ये नहीं कि एसेट के अंदर कोई फोल्डर है उसके अंदर आपने इसे ऐड कर दिया। उसके बाद दोस्तों एसेट के अंदर जाके आपको एंड्रॉयड रिजॉल्वर पर जाना है एंड देन फोर्स रिजॉल्व करना है, और इसके बाद दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेगा और डिपेंडेंसी रिजॉल्व हो जाएंगी। क्या करना है, एसेट पे जाना है, एंड्रॉयड पे जाना है, वहाँ पे रिजॉल्वर मिलेगा, वहाँ पे फोर्स रिजॉल्वर कर लेना है। अगर आपको बहुत तेज़ लगा हो तो आप पीछे बैक करके वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि एरर नहीं आनी चाहिए, अभी हम लोग स्क्रिप्टिंग का वर्क करेंगे। बट अगर एरर आ रही है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ रिजॉल्व हो चुकी है हमारी जो भी डिपेंडेंसी थी सॉरी, और यहाँ पे कुछ एरर्स आ रही हैं तो इन एरर्स को सॉल्व करते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एरर्स आ ही रही हों, क्योंकि मेरे कुछ प्रोजेक्ट थे उनमें इस तरह की एरर नहीं आ रही थी। बट अगर आप में आ रही हैं या इस प्रोजेक्ट में भी आ रही हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं इसका सलूशन आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों वर्क होने से पहले ज़रूरी है कि सारे एरर्स आएँ और उनको हम समझ लें कि किस तरह से रिजॉल्व करना है। तो इस तरह की अगर एरर आ रही है तो इसका सलूशन यूनिटी डॉक पे दिया हुआ है, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। और दोस्तों मैंने डॉक को तकरीबन 500 बार पढ़ा होगा, मुझे बिल्कुल तरह से ये रटा हुआ है कहाँ से क्या है, बट मैंने डॉक पढ़ के इसको नहीं किया था, मुझे मेरे एक सीनियर ने बताया था तो जाके मैंने इसे कंप्लीट किया था। तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट यहाँ से सेटिंग पे जाना है, तो आप यूनिटी की सेटिंग पे जा सकते हैं। और दोस्तों ऑथेंटिकेशन पे जाके आपको परमिशन भी देना पड़ेगा कि आप कौन कौन सा ऑथेंटिकेशन यूज़ करना चाहते हैं। बट अभी मैं उस एरर को रिजॉल्व करता हूँ, मैं आपको अभी दिखाऊंगा किस तरह से परमिशन देते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ आप जाएंगे, आपको डॉक ओपन कर लेना चाहिए, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो आप उसको ध्यान से देखिए। ये हम लोग कर चुके हैं, एसेट प्ले रिजॉल्वर एंड देन वर्जन हैंडल अपडेट, तो उसको भी हम लोग करेंगे। बट यहाँ पे आप देखिए, रिजॉल्व द कंपोजिंग एरर्स इफ़ यू आर यूजिंग .NET 4X। अगर आप .NET 4X यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ को फॉलो करना है, या अगर ऊपर का यूज़ कर रहे हैं, 3 यूज़ कर रहे हैं, 2 यूज़ कर रहे हैं, तो ऊपर का फॉलो करना है। तो क्या बोल रहा है कि पार्स के अंदर यूनिटी कम पार्स के अंदर यूनिटी कॉम्पैक्ट है एंड यूनिटी टास्क है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को डिलीट कर देना है। दोनों को सिलेक्ट कीजिए और इन्हें डिलीट कर दीजिए। तो मेक श्योर आपको ये पता होना चाहिए कि आप यूनिटी 4.x यूज़ कर रहे हो, .NET 4.x या .NET 3.x, ये आप कैसे चेक करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप जस्ट सुन लेना मेरी बातों को। और .NET, और उसके बाद क्या करना है, इन दोनों पे चूज करना है, और चूज करने के बाद एनी रेफरेंस करके इसको अप्लाई कर देना है, यानी कि ये किसी पे भी वर्क करेगा, ठीक है। और इसको करने के बाद यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि हमने कर लिया इसे पार्स प्लगइन .NET 4 यूनिटी, और इनको हमें चूज करके अप्लाई कर देना है। अब दोस्तों हमें दूसरा काम क्या करना है देख लेते हैं। बट एक हम लोग यहाँ पे एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक बटन ले लेते हैं, कि बटन पर क्लिक करने के बाद हम लोग जीमेल लॉगिन कराएंगे। तो इस पे आप कोई भी गूगल
का आइकन यूज़ कर सकते हैं, और अभी के लिए मैं एक बटन यूज़ कर रहा हूँ। टोटली आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। इस बटन का नाम हम लोग ले लेते हैं लॉगिन या जीमेल, जीमेल लॉगिन रख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक टेक्स्ट ले लेना है। टेक्स्ट क्या करेगा कि मैसेज बताएगा कि अभी क्या प्रोसेस चल रहा है, कौन कौन से एक्शन चल रहे हैं, कि लॉगिन हो चुका है, लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है, कि क्या अभी दिक्कत है। और दोस्तों इसमें स्क्रिप्ट में आप जाओगे देखोगे तो आप यूज़र का प्रोफाइल, यूज़र का यूज़र नेम, यूज़र का नाम, ये सारी चीज़ें आप गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास एक स्क्रिप्ट है गूगल साइन डेमो, जिसको मैंने असेट के अंदर ले लिया। स्क्रिप्ट है तो आप कहीं भी ले सकते हैं। क्या हुआ, इसे कैंसिल करते हैं। तो आई थिंक आया कि नहीं आया स्क्रिप्ट, चलिए दोबारा ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से चूज किया, इसे ड्रैग किया। इस स्क्रिप्ट के लिए आप अपना जीमेल आईडी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या नहीं तो एक बार आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, हो सकता है कि मैं इसे अपलोड कर दूँ। तो जैसा भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वैसे कर दूँगा। बट आपको ओके, तो ये वन दिखा रहा है, तो आई थिंक हमारे पास डबल हो चुका है। स्क्रिप्ट दो बार आ चुका है, तो क्या करना है हमें, इसे डिलीट कर सकते हैं या दूसरा देखते हैं कहाँ है। तो आई थिंक इसमें चला गया है, ओ यहाँ पे है, इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं क्योंकि मैंने दो बार स्क्रिप्ट को ले लिया तो डुप्लीकेसी आ रही थी। अब हमें क्या करना है कि हमें एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट लेना है, तो मैंने एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट लिया। आप डायरेक्टली बटन पर भी सेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट लेना ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो एक फायरबेस ले लिया, अनिहास पे स्क्रिप्ट को लगा दिया। अब दोस्तों वेब क्लाइंट आईडी के लिए लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, और मैंने और भी ट्यूटोरियल्स देखे थे, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे आप प्लस साइन करेंगे और ऑन क्लिक पे फायरबेस का रेफरेंस पास करेंगे, और यहाँ से आप इस स्क्रिप्ट को चूज करके यहाँ पे साइन इन विद गूगल करेंगे। और यहाँ पे लॉगआउट का भी बटन है, तो आप लॉगआउट का बटन ले सकते हैं, बट अभी मैं साइन इन का ही करवा रहा हूँ। और टोटली आप पे साइन आउट का आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट मैंने पास कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों वेब क्लाइंट कैसे मिलेगा, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप जेसन के अंदर से निकाल सकते हैं, जो आईडी 3 होगी वही आपका वेब क्लाइंट आईडी होगा, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप इस कंसोल पे जाएं जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। क्या कर रहे हो राम के जी, तो हमें कंसोल पे जाना चाहिए। और दोस्तों मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों मैंने एक नया चैनल मेरा है ब्लॉगिंग के लिए, तो आप उस चैनल पर ज़रूर जाइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। और चैनल का नाम है मिस्टर आर के, तो प्लीज़ वहाँ पर आ जाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यहाँ पर तो इस चैनल पर हम लोग टेक्निकल वीडियोज़ पोस्ट करते हैं, वहाँ पर हम लोग ब्लॉगिंग के वीडियो पोस्ट करते हैं, तो प्लीज़ गिव योर सपोर्ट एंड थैंक्स इन एडवांस। यहाँ पे दोस्तों सेटिंग पे जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग है, तो हमें सेटिंग पे नहीं जाना है, सॉरी, हमें अथेंटिकेशन पे जाना है। और यहाँ पे साइन इन मेथड मिलेगा आपको, तो साइन इन मेथड पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे दिखेगा गूगल, तो गूगल अभी डिसेबल है। इतना सारा आपको मिलता है साइन इन कराने का, पर दोस्तों सारे बहुत कठिन है। तो जीमेल पे मैंने क्लिक किया और वहाँ से इनेबल कर दिया, और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो वेब क्लाइंट आईडी मुझे यहाँ पे मिल रही है, तो इसे आज जस्ट कॉपी कर लीजिए और देन उसके बाद आप इसे सेव कर लीजिए। तो जीमेल का मेक श्योर कि आपने यहाँ पे इनेबल कर दिया है। और दोस्तों बुक का मैंने बता दिया है, आप डेवलपर कंसोल जैसे एप्लीकेशन के अंदर होता है उस तरह से आप लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पे वेब क्लाइंट आईडी को पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को रन करना है अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे, और दोस्तों ये पूरी तरह से वर्क करेगा। नीचे आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू।